ये दे रहा है, ये एवर का बदले में rather they are fixing responsibility on you. आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहा है. इन लोग आज आपका मेहनत को, आपका डिसिप्लिन को, आपका सिंसियरिटी को आइडेंटिफाई किया है, पहचाना है. आगे जाके आप लोग, उन लोगों का होप ये है कि मैंने आगे जाके यही बच्चा लोग हमारा सोसाइटी को आगे लीड करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन को लेके चलेंगे. मेरा हिसाब से जो आज जो एडीसी साहब लोग या कोई ऑनरेबल एमएलएस लोग, इनका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज इसी समय में खत्म होता है एंड नाउ यू हैव टू टेक ओवर टू द नेक्स्ट जनरेशन, आगे लेके चलना है. तो मेरे बच्चे क्लास 10 और 12 बच्चे लोग, आज से जितने भी क्लास 12 में है, शायद आज से 3 या 4 साल के बाद में आप अपना माँ या पिताजी को रुलाने वाला है. उसमें दो आंसू आपका माँ पिताजी निकलेंगे. एक आंसू जो है आप इस टेम्पो को मेंटेन नहीं करके भटक जाएगा, कहीं गलत जगह में चला जाएगा, तो उन लोग दुख का आंसू रोएगा. और दूसरा जो है आप इस टेम्पो को मेंटेन करके आप सक्सेसफुल ना बने बट एक अच्छा इंसान निकल जाएगा, खुशी का आंसू आपका माँ को रुलाएंगे. इसका फंड मैनेजमेंट हम लोगों ने एक कमिटी बनाया है एंड विच इज़ हेडेड बाय एडीसी हमारा योमचा का श्री हेंतो खरगा जी, उसको चेयरमैन के रूप में है. वाइस चेयरमैन एडीसी काम्बा है हमारा रुजुम रक्षक साहब एंड वी हैव ए टीम एंड जो भी इनका जो फंड्स होते हैं मेरा फैमिली ओन हम लोग उसको हम लोग अपना तरफ से हम लोग करते हैं इसे. और दिस इज़ द थर्ड एडिशन, थर्ड टाइम एंड बिकॉज ऑफ कोविड पेंडेमिक की वजह से पिछले 2 साल हम कर नहीं पाए था, इसलिए ये थर्ड है. सर, इस बार टोटल कितना लोगों अवार्ड किया जा रहा है? इस बार टोटल 94 लोगों को अवार्ड दिया है और जिसमें कि टॉप हमारा रिसेंटली इंडक्टेड आईएएस ऑफिसर श्री रमो ओकाम की और आईपीएस श्री तोजो कारगा, इनको लेकर अप टू क्लास 10 में जिन्होंने 80% ने वो स्कोर किया है सबको दिया है. और जो डिसेबल है या पेंटिंग में है, इस बार आपने देखा होगा जेली काई को भी हमने दिया है बिकॉज ही इज़ फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी प्लस ही रिप्रेजेंट आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड स्टेट इन इंडियन आइडल. देर इज़ ऑल्सो ए प्लेटफॉर्म जिसको हमें आगे बढ़ावा देना चाहिए कि सिंगिंग से आप लोग के साथ जुड़े हम लोगों के साथ बिकॉज दिस इज़ फॉर ओनली एक्सक्लूसिवली फॉर 27 लिरमो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो हम लोगों का कमिटी जो होता है ऑलरेडी हम लोग फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, थ्रू एडीसीज, थ्रू सीओज, हम लोग गांव-गांव में सर्कुलेट कर देते हैं कि इस बार हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं और अपना अपना रिज्यूमे को सबमिट करने के लिए. और प्लस हायर सेकेंडरी स्कूल्स में भी सारा लेटर्स जाते हैं जो रिजल्ट के अकॉर्डिंगली जो मार्कशीट को हम लोगों के पास भेजने के लिए. हम लोगों का क्राइटेरिया में स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में, क्योंकि 70% एंड अबव को हम लोग लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स का, और प्राइवेट स्कूल्स का 80% एंड अबव. कोई पेंटिंग अच्छा करेगा या कारपेंट्री अच्छा करेगा या हम लोगों को कुछ कंट्रीब्यूट करेगा कि एग्रीकल्चर में, हॉर्टी में, धीरे धीरे हम इसे आगे ले जाएंगे. हम लोग सिर्फ अवार्ड देने का काम नहीं कर रहे हैं, वी आर टेलिंग द एंटायर सिटीजन ऑफ 27 लिरमो दैट कि ये बच्चा ने ऐसे किया है इसलिए हमने अवार्ड दिया है. और जैसे कि पहले बताया, आज एक अच्छा सजेशन आज आया कि वी शुड मेक ए कॉफिटेबल बुक फ्रॉम दिस अवार्ड एंड विच शुड बी सर्कुलेटेड थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूएंसी. सो वी विल बी डूइंग दैट ऑल्सो. ये जो स्पेशली जो ऑफिसर्स का जो गैप मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आया है उसको देखते हुए हम लोगों ने इसे शुरू किया था कि विथ गुड नोट कि इन डेज टू कम कुछ लड़के क्लास 10 में अच्छा करे, 12 में अच्छा करे, फिर जाके कॉलेज लेवल में अच्छा परफॉर्म करें, उसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिल रहा है. शुरू में मैंने बताया था जब फर्स्ट एमएलए टैलेंट हम लोगों ने किया था केवल 14 लोग था, आज बढ़कर 94 पे आ गया है. दैट मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग अच्छा एक रेशियो में हम जा रहे हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट. उसको वही है, आज का समय में नोबडी कोई भी ऐसे नहीं बोल सकता है कि मेरे पास पैसा नहीं है और
और मेरे पास साधन नहीं है पढ़ने लिखने के लिए, बिकॉज वर्ल्ड इज़ फ्लैट नाउ. अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल है, यू आर एक्सेस टू एंटायर वर्ल्ड. सो वो एक्सक्यूज़, वो अच्छा घर का है तो उसके पास अच्छा किताब है, मेरे पास नहीं है, वो एक्सक्यूज़ आज के ज़माने में नहीं है. यू कैन सिट डाउन एनीवेयर एंड आपको मेहनत करना है. स्पेशली APCS में भी आप देखिए, सब गवर्नमेंट स्कूल्स हैं. मैक्सिमम 80% सक्सेस इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल्स, 80% सक्सेस इज़ फ्रॉम द जो बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं. बहुत हाई फाई फैमिली से बहुत कम लोग APCS में भी निकल के आते हैं. एंड प्लस ओनली मेहनत ही एक जगह है जहाँ से आपको नौकरी भी मिलेगा और आपको कमाने का जरिया भी मिलेगा, खेलने कूदने के लिए भी अच्छा ये मिलेगा. देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर एनी सक्सेस. थैंक यू सो मच.